मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, भगवान महावीर ने साधना का कौन सा मार्ग अपनाया था, ध्यान का वो सरलतम मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर दुनिया की हर धर्म प्राण आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए आत्म ध्यान की साधना, अपने आत्म स्वरूप के बोध के साथ साथ अपनी साधना का शिखर भी पा लिया, दृढ़ संकल्पों और अथक परिश्रम व पुरुषार्थ से आचार्य श्री ने जो पाया उसे अब जन जन तक पहुंचाने का आध्यात्मिक उपक्रम चल रहा है। देखिए ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है, मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। देखिए कैसे विचार और भाव केंद्रित हो गए हैं, मन और प्राण उसमें घुलने लगे हैं। देखिए कैसे शिवरार्थियों की रुचियां, प्रवृत्तियां और जीवन को देखने परखने समझने और फिर क्रिया प्रतिक्रिया करने का नजरिया ही बदल गया है। आइए हम सब बिना वक्त गवाए हिस्सा बनते हैं आत्म ध्यान साधना के इस अलौकिक जश्न का और खोजते हैं अपने अंतस में खुशियों का खजाना। नमस्कार मंत्र का उच्चारण, आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, भावपूर्वक आप केवल श्रवण करेंगे और ध्यान की गहराई में प्रवेश करेंगे। नमो अरि अंतानं, नमो सिद्धानं, नमोकारो सव पाव पणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं अवै मंगलम्। ध्वनि के साथ अपने भीतर गहरे गहरे शांत मौन समाधिस्थ हो जाए। आप एक शुद्ध आत्मा हैं, आप में और पंच परमेष्टि में कोई अंतर नहीं, गुण दृष्टि से आप और वे दोनों समान हैं। अंतर है तो कर्म दृष्टि का है, अभेद दृष्टि से आप आत्मा वो आत्मा सो हम, सो हम, सो हम करते करते भीतर गहरी शांति और मौन में चले। कुछ न करें, अपने स्वरूप में स्थित रहें।
गहरे गहरे अपने श्वासों को देखते देखते दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में अपने भीतर समाधिस्थ हो जाए। किसी विचार, घटना, आवाज को महत्व नहीं देना। जड़ शरीर को अलग से वो सिरा दिया है, आप स्व में स्थित है। जड़ एक आसन में स्थिर है, आप मौन में अपने स्वरूप में स्थित है। श्वास सहज आ रहा है, जा रहा है, आप उसे साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से जान रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, अपने स्वरूप में स्थित। अपने भीतर गहरे गहरे चले जाए, दृष्टा भाव से जाने और देखें, जो भी हो रहा है उसको जाने और देखें, भीतर क्या हो रहा है। श्वास आ रही है, जा रही है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, बुद्धि को निर्णय ले रही है, इंद्रियां कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही, मात्र देखो और जानो, कोई प्रतिक्रिया ना करो, कुछ नहीं। इस जगत में पूरा व्यवस्थित चल रहा है।
मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए, मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो, जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, सबका मंगल होए, सबका भला, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतान। जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि वो जो जीना चाहिए, जिसको सही मायने में जीवन को जीना चाहिए, जीवन का अर्थ समझना चाहिए, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, ये समझना चाहिए। अगर सही मायने में हमारा जीवन को सही अगर आकार देना है और सही जीना जिसको कहते हैं वो अगर जीना है, तो वो हमको आचार्य ऋषि का मार्ग जो है, जो ध्यान का मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, जो इंसानियत का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, उसी पर चलेंगे तो ही हम हमारे जीवन का कल्याण कर सकेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवझायानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवा वित्तंग नमं संति जसुधम में से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो सदा ही मंगल होगा।